अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। सुनहरे सूरज की रात को मैं अपने फरिश्ते का दिल लेकर ही रहूंगी। रोशनी, मुझसे तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, पर क्या करूं, मुझे मेरे फरिश्ते का दिल चाहिए और उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। अभी से हमें नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन रोशनी के अंदर जो दिल धड़क रहा है वो रोशनी का है। ये तुम क्या कर रही हो रुबीना? ये तुम नहीं हो, तुम तो हमेशा से इस फैमिली की मदद करती आई हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। शायद तुम पर किसी काली ताकत का असर हो रहा है, जो तुम ये कह रही हो, ऐसा कर रही हो। ये तुम नहीं हो रुबीना, ये तुम नहीं हो। ये मैं ही हूं, और आपको इससे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं एक आयाना हूं। सदियों पहले मैंने काले जिन के साथ जंग लड़ी थी, जिसमें मैं हार गई थी और मुझसे मेरे फरिश्ते का दिल छीन लिया गया था, जो इस वक्त रोशनी के अंदर धड़क रहा। इतने सालों से मैं आप लोगों की मदद नहीं कर रही, मैं अपनी मदद कर रही थी, क्योंकि मैं काले जिन के साथ बदला लेना चाहती थी। मैं उसे खत्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसी ने मेरे फरिश्ते का दिल कहीं छुपा दिया है। लेकिन बाद में मुझे वो आयाना कुंबे की तीनों आयाना ने बताया कि उन्होंने मेरा दिल निकाल के रोशनी के अंदर डाल दिया। पर ताबीजी, इसमें रोशनी का क्या कसूर है? तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने काले जिन के साथ लड़ाई करके कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मेरा फरिश्ते का दिल निकाल कर रोशनी को दे दिया क्या? ताबीजी, तुम अपना गुस्सा मेरी लाडो मेरी रोशनी पर क्यों निकाल रही हो? हम सब परिवार हैं, ये तुम्हारा परिवार है और परिवार में बदला नहीं लिया जाता है। फैमिली? कौन सी फैमिली? जरा पूछो इन लोगों से, क्या कभी इन लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझा? जब मैंने जुनैद से शादी की थी, मुझे उसके इरादों के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि उसने मुझसे अपने मतलब के लिए शादी की। और जब मतलब खत्म हो गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। कहाँ थी फैमिली, कहाँ थी ये घर? ये मेरा घर है, लेकिन जुनैद ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। तब कहाँ थी ये फैमिली? मैंने हर कदम पे इन लोगों का साथ दिया, हमेशा हर खतरे और मुसीबत से इन लोगों को बचाया, यहां तक कि अपनी जान भी इन लोगों के लिए खतरे में डाल दी। अब बदले में मैंने कभी भी इनसे कुछ नहीं मांगा और आज भी मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं।
लेकिन जो मेरा है वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। और आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि आज ना अमन के पास उसकी तलवार है, ना रोशनी के पास उसकी क्लिप, और ना ही आप लोगों के पास ताबीज़ी। आप गलत हैं ताबीज़ी। हमारी ताकत तलवार या रोशनी के क्लिप्स नहीं है, हमारी ताकत हमारी फैमिली है। और जब तक हमारी फैमिली साथ में है तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। और आप तो ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि जब भी हमारी फैमिली के ऊपर कोई मुश्किल पड़ी है, कोई भी खतरा आया है, तब हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी फैमिली बनी है। हाथ हाथ में, साथ साथ में, दुश्मन हारे बात बात में, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। और अब आप इस फैमिली की अगर अगेंस्ट खड़ी होंगी तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आप ही का है, हमारा नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये गलत फहमी मैं सुनहरे सूरज की रात को दूर कर दूंगी, क्योंकि वो रात रोशनी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ये तो वक्त ही बताएगा ताबीज़ी कि वो रात अपने साथ किसका अंत लेके आती है। लड़ाई आज तक की सबसे मुश्किल लड़ाई होगी, क्योंकि इस बार दुश्मन बाहर वाला नहीं, हमारा अपना है, जिसे हमारी ताकत का भी पता है और कमजोरी का भी। सोचा जाए तो ताबीज़ जी ठीक ही कह रही थी, आपकी तलवार और भाभी के क्लिप्स के बिना हमारा डिफेंस कमजोर है, और उन्हें कैसे वापस लाना है ये सिर्फ ताबीज़ ही जानती है, और वो कभी बताएगी नहीं। ताबीज़ जी बहुत इंटेलिजेंट है, उनके पास हर ट्रिक, हर चाल, हर खतरे का जवाब है। हर सवाल का जवाब रुबीना के पास नहीं, इल्मे जिन में। रुबीना की असली ताकत इल्मे जिन है। दादी, आपके कहने का मतलब हमें वो इल्मे जिन चुरा लेना चाहिए? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो रुबीना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो उसे सेफली रखेगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि अभी तक हमें गुमराह करने के लिए उसने इल्मे जिन को बदल ही दिया, इसलिए इल्मे जिन को चुराने से कोई फायदा नहीं होगा। दादी, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई कॉपी हो। ये हो सकता है। तुम्हें पता है वो कॉपी कहाँ है? हाँ, शायद शायरी के उस्ताद जी को पता हो। सकता है। तो ठीक है, तुम जाकर वो कॉपी ढूंढो, शायद ताबीज़ से बचने का यही एक रास्ता है। रेहान, शायरी को भी अपने साथ लेकर जाना। जी दादी। कोई जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। चल बेटा। आपको मैं बुद्धू लगती हूँ? मुझे पता है वो इल्मे जिन की कॉपी लेने गया है। रोशनी, हम आपको बुद्धू नहीं समझते, लेकिन हमारा ताबीज़ी से जीतना भी जरूरी है। हर जीत लड़ाई बदला यही जिंदगी है क्या खान बाबा? अल्लाह नूस पैस खान बाबा, मैं थक चुकी हूँ, मैं सबसे थक चुकी हूँ। मुझे याद भी नहीं कि हम आखिरी बार कब अपनी फैमिली के साथ थे और खुश थे। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि ऐसा है खान बाबा, हम लड़ते हैं फिर जीतते हैं, फिर कोई नया दुश्मन आ जाता है, फिर लड़ते हैं फिर जीतते हैं, और फिर कोई और नया पैदा हो जाता है। तो कैसा चलता रहेगा? और क्या गारंटी है कि सुनहरे सूरज की रात को ये सब खत्म हो जाएगा? तो क्या करें, क्या करें रोशनी, हार मान के बैठ जाएं? मैं बस लड़ना नहीं चाहती, मैं खुश रहना चाहती हूँ। आप बताइए, हमारी लाइफ में कमी किस चीज की है? इतनी प्यारी फैमिली है, इतना प्यारा बेबी है,
और मेरे पास आप हैं। मैं इन खुशियों को जीना चाहती हूँ खान बाबा, और अगर इसके लिए मेरे पास सुनहरे सूरज की रात तक का वक्त है तो मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर नहीं है रोशनी, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, लाइफ देखना चाहता हूँ, उसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, बहुत कुछ देखना चाहता हूँ। जैसे क्या? जैसे आपके सफेद बाल, फेस पे रिंकल्स। बाल में ब्लैक हो जाते हैं और आजकल फेस लिफ्टिंग नाम की चीज होती है। आप अपना सोचिए, जब आप बुढ़े हो जाएंगे और झुक झुक के चलेंगे, और फिर बाजीगर को ना क्या मैं फाके नहीं ऐसे लाठी बना के चलाएंगे। अच्छा, और जब आपके ये स्ट्रॉन्ग डोले वीक हो जाएंगे तब आप अपने पोते पोतियों को कैसे उठाएंगे? मेरे स्ट्रॉन्ग डोले को छोड़िए, अपना सोचिए, जब आपके सारे दांत गिर जाएंगे तो आपका क्या होगा? मैं तब भी स्माइल करता रहूंगा क्योंकि मेरे साथ आप होंगे रोशनी, आपका साथ होगा, और मैं वो दिन देखना चाहता हूं, और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा क्योंकि आपके बिना मेरी जिंदगी की कोई मायने नहीं। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।